बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ये गूगल डूडल है क्या चीज है, और जरूर आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जरूर जानना चाहते होंगे कि भाई ये गूगल डूडल सच में है क्या, और इसे आप सर्च कर रहे होंगे YouTube पर या Google पर कि ये Google Doodle है क्या। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस Google Doodle के बारे में, ये क्या है और इसमें क्या होता है और इससे आप भी रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों ये है गूगल डूडल। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दाब देना। सभी लोगों को पता है कि पूरी दुनिया भर में ना जाने कितने लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं, गूगल ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं और गूगल पर जो उन्हें जरूरत होती है उसे सर्च किया जाता है। और एक और सबसे बड़ी बात कि जब भी आप गूगल पर सर्च करने जाते होंगे और देखते होंगे कि कुछ गूगल का कुछ डिजाइन चेंज होता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि अगर पहले आपने सर्च किया होगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि गूगल का जो ओरिजिनल लोगो है वह इस तरीके का है, ओरिजिनल लोगो जो गूगल लिखा रहता है। तो दोस्तों कभी कभी आपको ऐसा दिखाई देता है कि जो गूगल लोगो है उसका डिजाइन चेंज हो जाता है, जैसे कि कुछ कार्टून टाइप में छाप दिया जाता है और कार्टून टाइप में हलचल करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि जो गूगल लिखा है ना वह कार्टून बना दिए जाते हैं GOOGLE, ये दोस्तों हलचल करते हुए नजर आते हैं कार्टून की तरह, और दोस्तों इसे ही डूडल कहते हैं। हाँ दोस्तों इसे ही डूडल कहते हैं, गूगल का डूडल। और एक और सबसे मजेदार बात, इसमें ऐसी ऐसी बातें, रोचक बातें बताने वाला हूं जिसे जानकर शायद आप हैरान हो जाओगे कि इस गूगल डूडल में क्या क्या हो सकता है। दोस्तों यह कब दिखाई देता है? यह तब होता है दोस्तों जब किसी इतिहास से रिलेटेड कोई जानकारी देनी हो गूगल के माध्यम से, या फिर किसी महापुरुष की जयंती हो, या फिर दोस्तों कोई बड़ा इवेंट हो उनके बारे में गूगल बताना चाहता है। कई बार तो हम लोगों को पता भी नहीं होता, और जब गूगल अपने डूडल के माध्यम से लोगों को स्क्रीन पर ही बता देता है, गूगल अपने जो होम पेज में स्क्रीन पर भी बता देता है कि आज क्या है, दोस्तों लोग जान जाते हैं गूगल के उस डूडल को देखकर ही कि आज है क्या। कई बार गूगल अपनी स्क्रीन पर, अपने होम पेज पर ऐसी तस्वीरें दिखाता है जिन तस्वीर के बारे में हम लोगों को पता नहीं रहता कि भाई ये कौन है, लेकिन दोस्तों उसकी सच्चाई क्या है कि जो गूगल का डूडल है ना वह दोस्तों पूरे पूरे विश्व पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कई बार तो दोस्तों जो बाहर विदेशी, यानी कि दोस्तों पूरे संसार किसी त्योहार को मनाता है और इंडिया में बहुत लोगों को पता नहीं रहता है उस त्योहार के बारे में, इसलिए वह जो गूगल दिखाता है डूडल के माध्यम से वह एकदम अनजान होम पेज दिखाई देता है, इसलिए लोग उसको अचंभा करते हैं, एकदम अजीब लगता है ये है कौन। लेकिन दोस्तों उसे ही गूगल का डूडल कहते हैं, जो गूगल अपने होम पेज में किसी इवेंट, किसी इतिहास, किसी महापुरुष के बारे में बताता है उसे ही गूगल का डूडल कहते हैं। और दोस्तों इससे रुपए कैसे कमाए जाते हैं, आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहती हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में बता देना, मैं इसके लिए वीडियो ले आऊंगा, अच्छा सा वीडियो लाऊंगा कि गूगल डूडल पर कैसे कार्य किया जाता है, खुद ही इस डिजाइन को बता देता है। नहीं दोस्तों, इनके लिए बहुत लोग लगे हुए हैं कार्य करने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए, इसीलिए आप जब गूगल ओपन करते हैं तो गूगल के होम पेज पर वह डिजाइन दिखाई देता है जो डिजाइन इवेंट होता है, जिस दिन जैसा इवेंट होगा उसी आधार पर वह डिजाइन दिखाई देता है गूगल का। जैसा कि क्रिसमस आ जाए तो आपको क्रिसमस का डिजाइन दिखाई देता है, जैसा कि सर्दी आ जाए तो आपको बर्फ दिखाई देती है चारों तरफ, इस प्रकार से गूगल अपने होम पेज पर दिखाता है, उसे ही गूगल का डूडल कहते हैं। अगर आप लोग भी अच्छा डिजाइनिंग करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हमारा डिजाइन गूगल को पता चल जाए, या फिर हम अपने जो डिजाइन बनाएंगे वह गूगल को पसंद आ जाए, तो आप मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में बता देना, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा और उसी से रुपए कमाए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे मजेदार बात, कई बार तो दोस्तों
यह जो गूगल है ना दोस्तों, यह गेम दिखाता है, जो गूगल डूडल के माध्यम से गेम स्क्रीन पर लगा देता है जिससे आप आसानी से खेल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई ये गेम क्यों चालू किया है गूगल ने। दोस्तों सभी लोगों को पता है कि पूरी दुनिया भर में जो लॉकडाउन लगा हुआ था, जो महामारी चली थी, उस कारण से सभी लोगों ने खुद को कमरों में बंद कर लिया था। इस कारण से गूगल भी सोच रहा था कि भाई अब ये लोग बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं घर में अकेले रहकर, तो गूगल ने एक नया रोमांचक चीज दिखा दी। गूगल ने भी एक नई चीज लॉन्च कर दी कि गूगल अपने होम पेज पर दोस्तों वह गेम दिखाने लग गया। जैसा कि बहुत लोगों को क्रिकेट पसंद था, तो उन्होंने गूगल ने क्या है अपने होम पेज पर क्रिकेट की गेम लगा दी। जैसा कि जो गूगल का जी बैट पकड़ के खड़ा है और जैसा कि ई बॉल पकड़ के खड़ा है, तो उनके जो गूगल के जो अक्षर हैं, अब वहां पर आप क्लिक करके गेम में प्रवेश कर जाएंगे तो वहां पर आपको गेम खेलने के लिए मिल जाएगा क्रिकेट का। इस प्रकार से गूगल ने एक और गेम चलाया, आप म्यूजिक भी बना सकती हैं, यानी कि जो गूगल जो लोगो है ना वो चेंज हो जाता था उसमें म्यूजिक में, मतलब आप म्यूजिक खुद बना सकते हैं गूगल के डूडल के माध्यम से। तो दोस्तों सच में ये मजेदार दोस्तों फैक्ट था गूगल का डूडल, सच में यार अजीब लगता है। अब इससे लाभ क्या हुआ दोस्तों? इससे यह हुआ कि गूगल जिस प्रकार से यह जो महापुरुषों के बारे में गूगल बताता है, तो उससे दोस्तों जो देश के लोग हैं ना, जैसे कि भारत देश के जो लोग हैं, उनके अंदर दोस्तों एक खुशी सी लहर झूम उठती है। किस तरीके से? अंदर से खुशी महसूस होती है कि हमारे किसी महापुरुष को गूगल के माध्यम से याद किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों ये सच में बहुत बड़ी बात है कि अब आप लोगों को बता दूं, जैसे कि होली का त्योहार आ जाए तो आपको गूगल के लोगों में कलर दिखाई देने लग जाएंगे, या फिर आपको दिवाली आ जाए तो दोस्तों आपको गूगल में दीपक नजर आएंगे, दीपक जलते हुए। इस प्रकार से गूगल के लोगों में आपको कई तरह के डिजाइन्स जो डूडल है उसमें दिखाई देने लगेंगे। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा अब मेरे द्वारा बताने पर, या फिर बहुत लोगों को पता रहता है पहले से ही। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, और आप इसके बारे में और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, चलता हूं, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। थैंक यू।